तो हरिवंश जी रसोई बना रहे थे। जब रसोई बना रहे थे तो बाहर रसोई के वो व्यास जी पहुंच गए। महाराज प्रणाम, को भाई कौन हो, कैसे आए हो? मैं शास्त्र चर्चा करने आया हूं, बड़ी दूर से आ रहा हूं आपका नाम सुन के। उन्होंने कहा भाई अभी कुछ देर रुक जाओ, हम रसोई बना रहे हैं। अरे बोले रसोई बनाते जाओ, बात करते जाओ। जब देखा कि ये नहीं मानते हैं तो उन्होंने क्या किया, पटलोई तो जो बना रहे थे दाल चावल चूल्हे से नीचे रख दिया और आग बुझा दिया, एक लोटा पानी लेके आग बुझा दिया। तो ब्यास जी बोले कि आप क्यों आपने आग बुझाई, रसोई आपने क्यों बंद कर दिया? रसोई बनाते जाते, बात करते जाते, हाथ से रसोई बनाते, मुंह से बात करते, दोनों काम एक साथ हो सकता है। तो हरिवंश जी ने कहा नहीं, एक काम एक समय करना चाहिए, ये गलत है। तो उन्होंने पद तुरंत उत्तर में दिया, यह जो एक मन बहुत ठोर करी, कही कौने सच पायो। ये प्रसिद्ध पद है। इस एक पद को सुनते ही व्यास जी ने, उनको कहते हैं मान लिया गुरु कि संत आप ही हैं। दो जगह पांव नहीं रखना चाहिए, दोगली वृत्ति नहीं है। अनन्य वृत्ति से ही प्रेम होता है, अनन्य वृत्ति से ही सिद्धि मिलती है, अनन्य वृत्ति से ही उपासना सिद्ध होती है। ये इस पद में कहा गया है, यह जो एक मन बहुत ठोर करी, कही कौने सच पायो। जैसे बेश्या होती है, बेश्या नहीं बल्कि जार, जार स्त्री को कहते हैं जो अपने एक पति को छोड़कर दूसरे जगह भी बात करती है, दूसरे से भी प्रेम करती है, अनेक जगह आशा लगाने से उसको अंत में दुख मिलता है। ये पिंगला ने कहा था, दत्तात्रेय जी ने एक बेश्या को गुरु बनाया, इसलिए बनाया कि आशा सदा दुख देती है। आशा में वो रात भर जागती रही कि हमारा कोई जार लगवार पुरुष आएगा, नहीं आया। जार स्त्री दूसरों की आशा करती है अपने पति को छोड़ के, उसका परिणाम दुख होता है। जब आशा छूट गई, जब जाके सो गई, तो उसने वहां पर पिंगला ने एक गीत गाया था सोते समय, आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। संसार में सबसे बड़ा दुख है आशा, और संसार में सबसे बड़ा सुख है निराशा। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम, यथा संचिद्य कांताशाम सुखम सुश्वाप पिंगला। जब आशा कांत की छूट गई, तब पिंगला सो गई। हरिवंश जी कहते हैं देखो पिंगला से सीखो। दत्तात्रेय ने भी गुरु बनाया पिंगला को, क्यों? जार पुरुष से रति करने में कभी सुख नहीं मिला, जहां तहां विदित जार जुवती लो, कई कोने सच पायो। क्या किसी को सुख मिला है आज तक जार पुरुष से? ये बात पिंगला ने भी अनुभव से सीखा और गाया, ये बात सारा संसार जानता है। प्रगट पिंगला गायो, जार पुरुष से मिल रहे हो, कोई देख न ले, डर रहता है। भगवान ने भी कहा है कि चार पुरुष की रति अनंत दुख देती है। रास पंचाध्यायी में
स्वयं भगवान ने 29वें अध्याय में अस्वर्ग्यम अयश्यस्यम च फल्गु कृच्छ्रम भयावयम जुगुप्सितम च सर्वत्र औपपत्यम कुलस्त्रिया, चार पुरुष से रति करने में छह दुख सदा मिलेंगे, अस्वर्ग मने नरक मिलेगा, अयश्यम कलंक लगेगा, फल्गु थोड़ा सा बहुत तुच्छ समय के लिए मिला तो मिल गया, कृच्छ्रम वो भी कठिनाई से मिलता है, चार चौथा दोष लोग छिप के सब, अस्वर्ग पहला, अयश्यस कलंक लगना दूसरा, फल्गु बहुत थोड़ा तीन, कृच्छ कठिनता से मिला चार, अस्वर्ग मशस्यम च फल्गु कृच्छ भयावह हर समय भय रहता है पांच, कोई देख न ले, छठवां जुगुप्सित सब जगह हर आदमी इसकी निंदा करता है, सर्वत्र जीते जी मरने के बाद भी आजीवन जुगुप्सित कर माना जाता है, औपपत्य माने चार पुरुष की रति। तो ये हरवंश जी कह रहे हैं कि एक पति में प्रेम करने से जो सुख मिलता है, इच्छे दोष नहीं आते हैं, नरक नहीं मिलेगा, बदनामी के डर नहीं है, भय का डर नहीं है, कठिनता से नहीं मिलता, इसलिए विवाह पद्धति चलाई गई है। सहज अपावन नारी, अरण्य कांड में कहा गया है भोग कितना गंदा है, स्त्री कितनी अपवित्र है, लेकिन एक अनन्य वृत्ति होने से ब्रह्मा शंकर भी उसके सामने तुच्छ हो जाते हैं। सहज अपावन नारी पति सेवत शुभ गति लहई, जस गावत श्रुति चार अजहु तुलसी का हरि प्रिय। दो काम एक साथ नहीं, दो जगह प्रेम नहीं, दो जगह आसक्ति नहीं, दो नाव में पांव रखोगे, एक नाव पूरब जा रही एक पश्चिम, तुम्हारी टांग फट जाएगी। यहाँ जो एक मन बहुत ठोर करी, कहीं कोने सचु पायो। जो लोग दोगले होते हैं उनकी वही गति होती है, दो घोड़े हैं, एक घोड़े पर एक पांव रखा, दूसरे घोड़े पर दूसरा पांव रखा, दोनों को हाँक दिया, या तो तुम्हारी टांग फट जाएगी, या गिरोगे या मर जाओगे। द्वय तुरंग पर जोर चढ़त हठी, तुरंग माने घोड़ा, परत कौन पे धायो। आज तक ऐसा कोई धावक नहीं हुआ जो दोनों घोड़ों पर एक साथ दौड़े, मरेगा वो। एक उदाहरण और दे रहे हैं, कही धो कौन अंक पे राखे। वेश्या का बेटा, उसको कौन सा बाप खिलाएगा, को बाप का पता नहीं, रोज बाप बदलते रहते हैं, इसलिए अनेक आश्रय वाला वेश्या का बेटा है। जो गणिका सुत जायो, गणिका वेश्या अर्थात अनन्य वृत्ति नहीं है तो उसको कुछ नहीं मिलेगा। बोले सारा संसार व्यभिचार की वृत्ति में मर रहा है, इसलिए उसको काल खा जाता है, अनन्य वृत्ति में उसको काल नहीं खा सकता। भगवान ने स्वयं कहा है, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम, नवें अध्याय के 22वें श्लोक में कहा है, जो अनन्य है उसका सारा बोझ मेरे ऊपर, उसका योग उसका क्षेम सब जन्म मरण मेरे ऊपर है, लेकिन जो अनन्य है, जो हम जैसे व्यभिचारी लोग हैं उनकी बात नहीं है। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते, अनन्य बन के उपासना जो करता है भगवान बिक जाते हैं। तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यम, तो वही बात यहाँ कह रहे हैं, संसार को काल खा रहा है क्योंकि
ये सारा प्रपंच संसार वंचक धोखा है, इसका प्रेम अनन्य नहीं धोखे का है, दोगला है, गद्दारी है, इससे काल खा जाता है। किसी की किसी से अनन्य रति नहीं है, कोई उससे देखता है, कोई उससे बोलता है, ये सब संसार में होता रहता है। काल ब्याल को खायो, इसलिए हमने अनन्य भाव से भगवान की शरण ग्रहण किया है। यह जिया जान श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो, श्याम श्यामा पद कमल संगी माने भगवान का जो चरण कमल है श्याम श्यामा का, उनका पद कमल का संगी माने प्रेमी भक्त, ये जान करके मैंने सब संसार छोड़ दिया और भक्त के जाकर के सिर झुकाया, भक्त की शरणागति अनन्य भाव से ग्रहण किया। कृपा करो राधा रानी, कृपा करो।